वही प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा में ग्राम बेलपान पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता की मांग पर क्षेत्र के विकास हेतु तखतपुर नगर को खुड़िया जलाशय से जल आपूर्ति कराने, बेलपान मंदिर मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपान हेतु एम्बुलेंस प्रदान करने, बेलपान में प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण करवाने के साथ कई अन्य विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं की। तो तखतपुर नगर में जल संकट को दूर करने के लिए जल आवर्धन योजना में तखतपुर खुड़िया जलाशय जल आपूर्ति की जाएगी। अब बजा ताली। दूसरा बेलपान न्यान, तो बेलपान मंदिर मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अत्य कम बढ़िया मंदिर बने, एक बढ़िया विकसित कर रहे है ना। आओ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपान हेतु एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। बेलपान में ताली की बजावत, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। बेलपान में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण किया जाएगा। तखतपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। तुसलापुर फ्लाईओवर से सकरी सड़क तक के चौड़ीकरण कराया जाएगा। ग्राम भरनी में गुरु घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं आहाता निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत गन्यारी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम सकरी भाटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम साले कापा में मिडिल स्कूल एवं ग्राम निगारबंद बेलसरा तथा पोंगरिया में प्राथमिक शाला के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ग्राम दर्री के स्टेडियम का उन्नयन एवं बाउंड्री वॉल कराया जाएगा। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तखतपुर का नामकरण स्वर्गीय ठाकुर बगाम सिंह जी पूर्व विधायक के तखतपुर के नाम पर किया जाएगा। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से करने की घोषणा करता हूं।